स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी पॉइंट नंबर वन पे। आज हम लोग जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देश में अगर किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, टेट सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है शिक्षक बनने का और आपने 12वीं पास की हुई है, साथ में बीएड में 50% अंक हासिल किए हुए हैं, या फिर डीएलएड, जेबीटी, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपने की हुई है और आपने सीटेट नहीं किया हुआ है, तो अभी आपके लिए अच्छा सुनहरा अवसर है केंद्रीय विद्यालय में। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी शिक्षक की। इसमें सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत व हिंदी पदों पर वैकेंसी है। इसमें योग्यता आपके पास स्नातक में 50% अंकों के साथ और बीएड या इसके समकक्ष आपके पास योग्यता होनी चाहिए और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको वेतन जो है वो 31,250 रुपया पर मंथ मिलेगा। इसके बाद इसमें पीजीटी है, जिसमें पदों के लिए सब्जेक्ट है गणित, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र व वाणिज्य। इन पदों पर पीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके पास योग्यता स्नातकोत्तर में 50% अंक और बीएड या इसके समकक्ष होनी अनिवार्य है। इसमें आपको 32,500 पर वेतन महीने का दिया जाएगा। इसके बाद आपको इसमें प्राथमिक शिक्षा की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास और साथ में डीएलएड या बीएड या इसके समकक्ष डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और आप भी आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की इस भर्ती में जो वेतन दिया जाएगा वह 26,250 पर मंथ मिलेगा। इसके बाद इसमें स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक की भर्ती है, जिसके लिए आपके पास योग्यता 12वीं पास और स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए और इसमें जो वेतन दिया जाएगा वह है 26,250 पर मंथ। इसके बाद इसमें नर्स की पोस्ट भी है जो महिला के लिए। इसमें आपके पास नर्स में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके लिए आपको 750 पर डे वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके बाद इसमें कंप्यूटर अनुदेशक पद की भी भर्ती है, जिसके लिए आपके पास बीटेक या बीई कंप्यूटर में कोई भी आपके डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, इनके समकक्ष हो तो आप भी इनमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आप वेतन रहेगा वह 26,250 पर मंथ रहेगा। इन भर्तियों की महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इसके चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू बेस पर आपका इसमें चयन होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम का कोई भी जिक्र नहीं है, सीधा आपका इन भर्तियों के लिए इंटरव्यू किया जाएगा और इसके बाद में मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा और इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। इसमें जो मानदेय होगा वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार दिया जाएगा और इन भर्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे डाल दिया जाएगा। अभ्यर्थी वहां से उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे देख सकेंगे। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट kvs.sangathan.nic.in पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने सीटेट किया हुआ है तो उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जिन्होंने सीटेट नहीं किया हुआ है वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह वैकेंसी आपको दंडेवाड़ा छत्तीसगढ़ से केवीएस विद्यालय संगठन से मिल रही है और आप इसमें ऑफलाइन इस वेबसाइट पर जाके उस फॉर्म के माध्यम से भरकर आवेदन कर सकते हैं। और यह जो वैकेंसी है यह कॉन्ट्रैक्ट स्तर पर है, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक संगठन के नियमानुसार ही इसमें परिवर्तन होगा। यदि आपके नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन है तो आप जरूर आवेदन करें। इन भर्तियों की इंटरव्यू डेट 10 मार्च 2023 और 11 मार्च 2023 है और आप पूरी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू।